पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस के वचन पत्र बनाने को लेकर काम भी शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में कमलनाथ के निवास पर एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें वचन पत्र समिति के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हुए, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर मंथन भी किया गया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारियां, वचन पत्र बनाने को लेकर की कवायदे तेज, कमलनाथ के निवास पर बैठक आयोजित, विभिन्न बिंदुओं पर किया गया मंथन। आगामी विधानसभा चुनावों पर लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठकें ले रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस की वचन पत्र समिति है, जिसके बनाए एजेंडे के आधार पर मतदाताओं को आकर्षित करने का काम किया जाएगा। वहीं इसी को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर वचन पत्र समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वही बैठक समाप्त होने के बाद वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की हड़तालों को देखते हुए कांग्रेस उनके विचारों को भी वचन पत्र में शामिल करने पर चर्चा कर रही है। नहीं, आज तो स्पेसिफिक चर्चा उस पर नहीं हुई है, पर इन जनरल हुई है कर्मचारियों के बारे में। नहीं, आज तो स्पेसिफिक चर्चा उस पर नहीं हुई है, पर इन जनरल हुई है कर्मचारियों के बारे में। इस जगह पर यह भी महत्वपूर्ण है कि आगामी समय में कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए अलग से प्रियदर्शनी वचन पत्र लाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।